हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए फिर से जो हमारी सीरीज 90 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं करा रहा हूं उसकी चल रही है, उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो आज देने जा रहा हूं, जिसमें कि आज हम जो टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इकोलॉजी के रहेंगे, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के रहेंगे और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के हमारे क्वेश्चन रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इकोलॉजी के और ह्यूमन हेल्थ के रहेंगे, ठीक है ना। तो आज करते हैं शुरू वीडियो को। आप ध्यान से पूरी वीडियो देखना, कई बार बीच में से ऑप्शंस में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि ऑप्शंस होते हैं। ध्यान रखना पूरे चारों ऑप्शंस ध्यान से देखने होते हैं, क्योंकि कई बार सवाल जो है वो ऑप्शन बनता है और कई बार सवाल जो है वो ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा है। तो आप चारों ऑप्शन देखा कीजिएगा और मेरे साथ बने रहेगा, मैं आपको इस तरह की क्वेश्चंस वाली वीडियो कराता रहूंगा। तो देखते हैं पहला सवाल आज की तारीख में क्या है। तो ये है भैया पहला सवाल, रहा गिवन फिगर रिप्रेजेंट द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल एज प्रपोज्ड बाय द वॉटसन एंड क्रिक एंड 1953। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई वॉटसन क्रिक ने कब आपका ये दिया था, मतलब कब आपका वॉटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था 1953 में दिया था। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ ए बी सी। तो यहाँ देखना ऑप्शन क्या है। तो ए तो अगर आप एंगस्ट्रॉम में देखोगे तो ये 34 होता है, नैनोमीटर में 3.4 होता है, और बी जो है वो आपका नैनोमीटर में 0.34 है और एंगस्ट्रॉम में 33.4 एंगस्ट्रॉम है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और ये आपका सी जो है 20 एंगस्ट्रॉम है या फिर 2.0 नैनोमीटर है। तो देख रहे थे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपका ए 0.3 गलत है, ए 34 नैनोमीटर गलत है, ए 3.4 एंगस्ट्रॉम गलत है, ए 34 एंगस्ट्रॉम गलत सही है। तो यार ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। बाकी के भी मैच कर जाएंगे। एंगस्ट्रॉम की टर्म में इन्होंने पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखना नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों में याद रखना होता है। नेक्स्ट है बैकबोन, तो डीएनए इज फॉर्म्ड बाय, डीएनए की बैकबोन किसके बनी होती है सबको पता है, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन में होता है, जबकि पिरिमिडिन और प्यूरिन जो है वो आपके बीच की तरफ होते हैं सेंटर में। हाइड्रोफोबिसिटी जितनी भी होती है वो आपके बीच में होती है और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बैकबोन पे होता है, ठीक है। तो यहाँ शुगर फॉस्फेट आंसर होगा। न्यूक्लियन टर्म किसने दिया था, याद करने का सवाल है, मिशर ने दिया था, पस सेल्स में इन्होंने इसको ढूंढा था। अगली बार कभी अगर कहीं सवाल दिखेगा तो आपको ये पूछ लेंगे कहाँ देखा था, ध्यान रखना पस सेल्स में देखा था। नेक्स्ट है इन डीएनए नाइट्रोजन बेसिस आर जॉइंट टू ईच अदर बाई, तो डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस जो है वो किससे जुड़े होते हैं। बेसिस आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोफोबिसिटी अंदर की तरफ होती है। एडेनिन जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है। नेक्स्ट थायमिन इज, थायमिन क्या है, तो थायमिन ध्यान रखना, अगर थायमिन की स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा, थायमिन में पांचवा जो आपका कार्बन है वहां आपको मिथाइल ग्रुप मिलता है, जबकि अगर आप जाओगे किसमें आपका, अगर आप यूरेसिल देखोगे तो यूरेसिल में आपको इसके जगह पे हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये 5-methyl uracil होता है आपका थायमिन, देख लो ऑप्शन कहाँ होगा, ये है फोर्थ। नेक्स्ट है डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, डीएनए फ्रेगमेंट क्या होते हैं, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, आइदर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ध्यान रखना ड्यू टू द फॉस्फेट, फॉस्फेट की वजह से डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, ध्यान रखना। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन विच न्यूक्लिक एसिड, तो यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल डीएनए में नहीं होता, यूरेसिल आरएनए में होता है, इसका आंसर होगा ओनली आरएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड, तो ध्यान रखना भाई अगर एसिड कह रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड होगा, ये जरूर ध्यान रखना। एसिड आ गया ना एडिनाइलिक एसिड, तो आपका साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, इस तरह से हुआ तो न्यूक्लियोटाइड होगा। और अगर आपका ये नहीं है तो जैसे साइटोसिन तो आपका बेस है, यूरेसिल बेस है, बाकी एडिनोसिन जो है वो आपका क्या है, न्यूक्लियोसाइड होगा, यानी शुगर पेंटोज शुगर और आपका जो नाइट्रोजन बेस है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। विच एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेस में क्या नहीं मिलता, नाइट्रोजन कार्बन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस नहीं मिलती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से क्या करेक्ट मैच है, एडेनिन ग्वानिन पिरिमिडिन बेस है गलत है, थायमिन करेक्ट पूछा है ओके, थायमिन साइटोसिन प्यूरिन है गलत है, थायमिन गलत है, एडिनोसिन ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड है, ये तो सारे गलत हो गया, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, गलत हो गया ये तो स्टेटमेंट, थायमीन और साइटोसिन प्यूरिन है ये भी गलत हो गया है, थियामीन और साइटोसिन पिरिमिडीन है, एडिनोसिन एंड ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड है, ये तो न्यूक्लियोसाइड हो गया एडिनोसिन और ग्वानोसिन, यहाँ थियामीन लिखा है, मे बी थायमीन लिखे होंगे तो ये सही जाएगा थर्ड वाला, ठीक है ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ओन हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड वुड नॉट यील्ड, अगर आप एक न्यूक्लियोसाइड को तोड़ोगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, नोट आप मार्क कर लोगे हर सवाल में, ध्यान रखना नोट करेक्ट इनकरेक्ट इसे मार्क करते हुए चलना होता है, नोट यील्ड
तो अगर तोड़ोगे तो प्यूरिन मिलेगी, पिरिमिडिन मिलेगी, पेंटो शुगर मिलेगी, फॉस्फेट नहीं मिलेगी। चौथा आंसर होगा बॉन्डिंग बिटवीन डीऑक्सीराइबोज एंड प्यूरिन बेस इन ए न्यूक्लियोसाइड इज। तो यार ये बहुत अच्छा सवाल है, डीऑक्सीराइबोज में प्यूरिन में, तो बस ध्यान रखना प्यूरिन राइबोज शुगर से या डीऑक्सीराइबोज से 1,9 बॉन्ड से जुड़ते हैं और पिरिमिडिन 1,1 से जुड़ते हैं। तो यहाँ 1,9 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा प्यूरिन के लिए और 1,1 होता है पिरिमिडिन्स के लिए। तो यहाँ 1,9 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सेकेंड होगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो ऐसा क्या है जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रखता है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एंटी पैरेलल पोलैरिटी ऑफ टू स्ट्रैंड, वन प्यूरिन ऑलवेज कम अपोजिट टू द पिरिमिडिन, तो एंड नन। तो यार इसमें ध्यान रखना कि एक पिरिमिडिन जो है दूसरी तरफ प्यूरिन के प्यूरिन से बाइंड करती है, तो ये उसको यूनिफॉर्म डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। 14 में एक फोटो बना हुआ है, फोटो में फॉस्फेट भी है, शुगर भी है और आपका साइटोसिन है, ठीक है, ये साइटोसिन का बना हुआ है। तो ये पूछे क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड है सीधा सीधा, वो भी इसका है। अच्छा यहाँ पर देख सकते हो आप दूसरे कार्बन पर एच है, तो मतलब ये शुगर डिऑक्सीराइबोज है, ठीक है, तो डिऑक्सीराइबोज में हो गया डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, फोर्थ आंसर होगा। अ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 20,000 बेस पेयर, बेस पेयर कहा है, तो एक डीएनए मॉलिक्यूल में 20,000 बेस पेयर हैं, तो कितने जो हैं न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो दुगना हो जाएंगे, 40,000 हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ चारग्राफ रूल, चारग्राफ रूल देखते हैं क्या है। चारग्राफ रूल आपको बताते हैं क्या होता है, ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू वन है, ए प्लस ए इज इक्वल टू टी होता है, जी इज इक्वल टू सी होता है, ये भी पूछा जाता है। ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी भी सही हो सकता है, तो ये देखते हैं क्या क्या दिया है। तो जैसे पहला दिया है ए प्लस जी सी प्लस टी सही है, ए प्लस जी टी प्लस सी सही है, ए प्लस टी जी प्लस सी ये ही गलत हो गया, तो है ना सी प्लस टी जी प्लस ए ये भी सही है। तो यार ये थर्ड वाला इसका आंसर होगा, क्या पूछा है, नोट पूछा है, तो थर्ड होगा, थर्ड इज नॉट ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चारग्राफ रूल, ठीक है ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द डीएनए 17 एंगस्ट्रॉम लेंथ है, बेस पेयर कितने होंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेस पेयर। तो 17 एक में डिस्टेंस होती है 3 पॉइंट एंगस्ट्रॉम में दिया है ना, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गया, तो किससे मल्टीप्लाई करके 17 आएगा देख लो, 5 से आ जाएगा, 5 इंटू 3.4 करोगे तो लगभग 17 के लगभग आएगा, तो आंसर आपका जाएगा 5 बेस पेयर। द सेलियंट फीचर ऑफ द डीएनए आर, सेलियंट फीचर डीएनए की इनमें से क्या है, दे दो है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के बने होते हैं, सही है भाई, दो चेन हैव पैरेलल पोलैरिटी गलत है, बेस इन टू स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड सही है, द टू चेन ऑलवेज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड गलत है, ऑलवेज नहीं होती पर लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, लेफ्ट हैंडेड जेड डीएनए जो होता है वो आपका लेफ्ट हैंडेड होता है, ये ध्यान रखना जेड डीएनए, और ये इसका आंसर हो गया 1 और 3, तो 1 3 कहाँ है, ये थर्ड। नेक्स्ट है 19, 5 टर्न ऑफ हेलिक्स इन बी डीएनए विल हैव नंबर ऑफ प्यूरिन एंड नाइट्रोजन बेसिस, 5 टर्न हेलिक्स के जो है बी डीएनए है, राइट हैंडेड मॉडल है, उसमें कितने प्यूरिन बेस होंगे, तो 5 में 1 में 10 होते हैं, 5 में 50 होंगे, ठीक है कुछ नहीं था। मैलिग्नेंट मलेरिया ह्यूमन डिजीज से सवाल है, मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है, तो ध्यान रखना भाई चार तरह से होता है मलेरिया, आपका पता है आपको, वाइवेक्स होता है, ओवेल होता है, फैल्सीपेरम होता है, मलेरिया होता है, जिनमें से मैलिग्नेंट है फैल्सीपेरम जो कि एक किलर स्ट्रेन है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हिमोजॉइन इज फॉर्म्ड इन, हिमोजॉइन कब बनता है, तो आपको पता है हिमोजॉइन जो है वो आरबीसी के अंदर बनता है, आरबीसी के अंदर जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चल रही होती है, आरबीसी के अंदर जाकर के एक कंपाउंड बनता है दैट इज हिमोजॉइन, जब वो बाहर निकलता है तो वो शिवरिंग एजेंट होता है, जो ठंड जो मलेरिया में लगती है, बुखार चढ़ता है, तो वो हिमोजॉइन की वजह से होता है, तो यहाँ पर आओगे आरबीसी ऑफ ह्यूमन। शिक टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्टिंग एनसीईआरटी से बाहर का सवाल है, ध्यान रखना इसमें आपको याद करना होगा डिप्थीरिया के ये टेस्ट होता है। इट सर्व सीवियर केस ऑफ टाइफॉइड द मेन कॉज ऑफ डेथ, अगर टाइफॉइड किसी को हुआ है तो उसमें मर कब जाएगा बंदा, तो जब उसका इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है तब आदमी मर जाता है, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा देखते हैं। हाँ जी थर्ड ऑप्शन आपका इंटेस्टाइनल परफोरेशन है। 24 बिलो आर सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो भैया प्लाज्मोडियम के लिए कुछ सवाल यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि लिखा है कि कुछ लाइन है जिनमें करेक्ट पूछा है, गैमेटोसाइट स्टेज इन्फेक्ट ह्यूमन बॉडी, सही बात है, इट अच्छा ह्यूमन बॉडी तो स्पोरोजाइट करती है, गलत हो गया, इट मल्टीप्लाइज बाय सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ह्यूमन लीवर, तो ह्यूमन लीवर में एसेक्सुअल चलता है, गलत हो गया, ह्यूमन आरबीसी रप्चर्ड एंड रिलीज एक टॉक्सिन हिमोजॉइन, अभी हमने आपको बताया आरबीसी फटती है तो उसके अंदर से हिमोजॉइन निकलता है, तो इसका आंसर थर्ड जाएगा, फोर्थ लाइन भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए टू डी पढ़ लेते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंजा, सही है। जीनोप्सेलाचियोप्सिस इज कॉजिटिव एजेंट ऑफ बुबोनिक प्लेग, यहां अगर बुबोनिक प्लेग होता तो सही होता, प्लेग लिखा है तो भैया ये तो गलत हो गया। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कोज अमीबाइसिस, सही है। माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन इपीडर्मोफाइटोन इज आर नॉट नॉट ओके नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म, तो ये तो गलत हो गया, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पूछा है कि गलत क्या है, कितने गलत हैं, तो गलत भैया देखो हमें लग रहा है कि तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंजा, तो ये तो सही लग रहा है। जीनोप्सेला चियोप्सिस इज गलत है, ये तो दूसरा गलत है। इंटामीबा हिस्टोलाइटिका कोज अमीबोइसिस, इंटामीबा हिस्टोलाइटिका से आपका अमीबोइसिस होता है, सही है ना, सही है ये तो, है ना। तो दो गलत मुझे लग रहे हैं यहाँ पर आपका, क्योंकि एक तो बी वाला और एक डी वाला, तो दो हमारे गलत होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज, इनमें से वायरल डिजीज कौन सी है आपकी, तो वायरल डिजीज आपकी कॉमन जो है कॉमन कोल्ड है, सीधा सीधा सवाल है, कुछ नहीं था। कॉमन कोल्ड आपकी एक वायरल डिजीज है जो कि राइनो वायरस से होती है। नेक्स्ट है आपका एसिड इन स्टमक, अगर स्टमक में एसिड है तो इम्यूनिटी वाले चैप्टर से इननेट इम्यूनिटी का सवाल है ये, तो इसमें पूछा है कि जो भाई एसिड इन स्टमक है वो आपका विच टाइप ऑफ बैरियर ऑफ इननेट इम्यूनिटी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, तो वहाँ चार तरह के बैरियर आप पढ़ोगे, साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर, उनमें से एक है। नेक्स्ट है प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ, ओके ये आपका एंटीबॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसका सवाल है। प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ ए इंटेंसिटी सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिटेड इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स, तो यार ये बात करें कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो ढीला ढाला होता है, मतलब जब आपको पहली बार एंटीजन आता है तो उसके टाइम पर आपका बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है इम्यूनिटी का वो धीरे से होता है, पर सब्सिक्वेंट जब दूसरा जो अटैक होता है पैथोजन का, सेम पैथोजन का अटैक होता है, तो अब आप जो है इंटेंसिफाइड आपका जो रिस्पॉन्स रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा विच इज ऑफ लो आएगा पहले, तो लो पहले में लो आ जाएगा। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद सेम पैथोजन एलिसिट आ हाईली इंटेंसिफाइड, फिर हाई आ जाएगा और इसमें आएगा आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तो इसका होगा लो हाई और सेकेंडरी, तो थर्ड इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, क्या नहीं करती हैं, तो भैया एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन करती हैं, ये चीज़ें बाहर हैं पर ध्यान रखना, मतलब ये एंटीजन को न्यूट्रल करने के तरीके हैं, ये करती हैं, ये भी करती हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी करती हैं, फैगोसाइटोसिस नहीं करती हैं, ये मैक्रोफेज वगैरह का काम है, ठीक है, न्यूट्रोफिल का काम है, तो ये तो नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए सही नहीं है, एक्टिव एक्वायर्ड समझ रहे हो, तो ये इट इज नॉन स्पेसिफिक, तो गलत पूछा है ना, तो पहला ही मुझे गलत लग रहा है। स्पेसिफिक होती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी, स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक आपकी इननेट इम्यूनिटी होती है, तो ये तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत है, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूबर ट्यूमर कॉलर एंड डॉलर आर रिलेटेड, देखिए ऐसा है जब आपको इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन के समय पर वहाँ पर कुछ कंपाउंड बनते हैं जो कि आपके वहाँ पेन कराते हैं, रेडनेस कराते हैं, स्वेलिंग कराते हैं, ठीक है, मास्ट सेल वगैरह उनको रिलीज करती होती हैं, उनसे आपका इन्फ्लामेशन होता है, तो इन्फ्लामेशन में लाल होना, पेन होना, दर्द होना, सूजन आ जाना, इन तीनों चारों वर्ड को रूबर कॉलर डॉलर कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपका इन्फ्लामेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ध्यान रखना थर्ड इसका आंसर होगा। विच पार्ट ऑफ द एच आई वी स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लीमेंटेड टू CD4 प्रोटीन, ध्यान रखना जो T4 लिम्फोसाइट होती हैं, T4 लिम्फोसाइट के सरफेस पर आपका CD4 आपका क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 पाया जाता है, जिससे आपका HIV की GP120 GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 आकर के जुड़ जाती है, ये एक खास चीज़ है जो कि HIV आपकी T4 पर इन्फेक्शन कर पाता है, इसी की वजह से काम होता है इन्फेक्शन वाला, वरना वो T4 लिम्फोसाइट पर अटैक ना कर पाता, तो इनका बहुत अच्छा संबंध होता है GP120 का और आपका CD4 का। नेक्स्ट है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट इन द सिंगल HIV स्ट्रक्चर, तो अगर आप HIV की स्ट्रक्चर देखो तो वहाँ दो छोटे छोटे गोले होते हैं, मतलब बने रहते हैं, एक इंटीग्रेज भी होता है एंजाइम और एक आपके दो जो है वो आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रहते हैं, तो आंसर आपका हो गया 2। एड्स इज मेनली ड्यू टू, एड्स कब होता है, तो मेन एड्स तब होता है जब आपको T4 लिम्फोसाइट पर अटैक हो जाता है, ओके, रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल यही मेन कारण है।
सब्सटेंस विच हेल्प इन प्रोलीफरेशन ऑफ ट्यूमर सेल दोज ऑलरेडी अंडर गो जेनेटिक अल्ट्रेशन ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन आर नोन एज। दोबारा पढ़ते हैं, सब्सटेंस विच हेल्प इन प्रोलीफरेशन ऑफ ट्यूमर सेल, कौन सा सब्सटेंस जो है वो ट्यूमर सेल को बढ़ाता है, दोज ऑलरेडी अंडर गो जेनेटिक अल्ट्रेशन, जिसमें कि जेनेटिक अल्ट्रेशन हो गया हो, ऑन्कोजेनिक कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हो, उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा सामान जो है वो आपका ट्यूमर प्रमोटर होगा, क्योंकि ट्यूमर को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, थर्ड इज द आंसर। पैप स्मियर टेस्ट, ये एनसीईआरटी से बाहर का केस है, ठीक है, ये आएगा भी नहीं पेपर में, तो आप याद करना ना करना बेकार ही रहेगा आपके लिए। तो ध्यान रखना, सर्वाइकल कैंसर में आप पैप स्मियर टेस्ट करते हैं। यूज इज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ध्यान रखना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो आपके स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनवाई जाती हैं एक टेक्निक से, तो उसमें क्या होता है कि वो किसी न किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती हैं, उसको आप पैसिव इम्यूनिटी में भी यूज कर सकते हो। कई बार डायरेक्ट आपको किसी किसी जो डिजीज हैं उसमें डायरेक्ट आपको एंटीबॉडी चाहिए होती है, तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आप दे सकते हैं, उससे आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कैंसर डिटेक्शन वगैरह करना उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं क्या है, डिटेक्शन ऑफ कैंसर सही है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सही है, वैक्सीन नहीं सही है, तो 1 और 2 इज द आंसर। 38 विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे। जेनाइटल हर्पीज इज डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज देन इज कम्प्लीटली क्यूरेबल, गलत हो गया है, एनसीईआरटी में लिखा है कि ये क्यूरेबल नहीं है भाई, ठीक है ना, 3 चीजें लिखी हैं वहां, ये क्यूरेबल नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट है, तो पहला ही गलत है, बाकी तो फिर सही होंगे। गोनोरिया जो है वो क्यूरेबल है, एचआईवी जो है मां से फीटस में जाता है, हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसमिट होता है कॉन्डोम से, मतलब कैन बी ट्रांसमिटेड इवन आफ्टर द यूज ऑफ कॉन्डोम, ठीक है ना, ये तो हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका यही स्टेटमेंट गलत है, जेनिटल हर्पीज इज डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज दैन इज कम्प्लीटली क्यूरेबल। फिर लिखा है नेक्स्ट आपका, विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज क्यूरेबल, कौन सी क्यूरेबल है, तो भैया इसमें से क्यूरेबल तो आपकी जेनिटल वार्ट्स है जो कि ह्यूमन पैपाइलोमा वायरस से होती है, बाकी तीनों जो है क्यूरेबल नहीं है। मार्क द ओड वन विद रेस्पेक्ट टू कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड्स के रेस्पेक्ट में उल्टा गलत जो है उसको मार्क कीजिएगा। तो भैया कैनाबिनॉइड्स में आपका चरस आती है, हशीश आती है, मारिजुआना आती है और स्मैक नहीं आती है, और ये जो है खुल गया है गलती से, तो ये मारिजुआना नहीं आती, स्मैक नहीं आती, तो स्मैक इज द आंसर, इट इज ओड थिंग हियर। नेक्स्ट है 41, कॉक ब्राउन ऑर्डरलेस स्वीट कंपाउंड डाइएसिटाइल मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, तो इन्हें पूछा करेक्ट बताओ ओपॉइड के लिए, ओपॉइड के लिए यार ये तो सही है, ये भी सही है, स्वीट नहीं है, ऑर्डरलेस है, सही है, कोक ब्राउन ये नहीं है, तो यहाँ 3 चीजें सही हैं, आंसर होगा आपका 1। 42 विच पेयर इज करेक्टली मैच, पहला देखते हैं क्या है, पहले में एक फ्लावर बनाया है, ब्रांच ऑफ धतूरा, धतूरा तो नहीं है तो ओपियम पोपी है, तो यार यही करेक्टली मैच, अच्छा करेक्टली पूछा है, गलत है ये तो। दूसरा है आपका ये कंपाउंड बना है मॉर्फिन, नहीं नहीं मॉर्फिन नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, ये पत्तियां बनी है कैनाबिस सटावा की, ये बिल्कुल सही है, कैनाबिस सटावा का फोटो किताब में बना है तो उसकी पत्तियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन अल्कोहल अब्यूज मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन, तो सबको पता है लीवर खराब हो जाता है शराब पीने से, तो वही इज द आंसर होगा यहाँ पे, थर्ड इज द आंसर। 44 अलोंग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ, इकोलॉजी चल चुकी है यहां से, Along the Pacific coast of North America and South coast of Australia, a man observed in a forest that there were several shrubs that remained unaffected to fire and drought. He found that rainfall occurred but in limited quantity, okay, during winter season. Shrubs and small trees were scattered all over the region. Identify, बस यही line अगर आपको समझ में आए तो आपको यही line याद करनी है कि एक जो है जहाँ पर श्रब्स और स्मॉल ट्री जो है वो स्कैटर्ड हैं तो वो आपका छपरेल होता है, ठीक है, यही लाइन इसमें मार्क करने वाली बात थी, वो आपका छपरेल रीजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर बायोम डिटरमाइनिंग फैक्टर, बायोम को कौन डिटरमाइन करता है, तो वहाँ पर वेरिएशन टेम्परेचर का, हाँ जी करता है, एनुअल वेरिएशन रेनफॉल में जी करता है, एनुअल वेरिएशन इन स्नोफॉल करता है जी, तो तीनों आंसर होंगे। ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म, सब मिल जुला करके क्या बनाते हैं, तो मिला जुला करके सब जो है भाई बायोस्फीयर बनाते हैं। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल स्पीसीज, तो भैया सबको पता है राइनोसीरियस के लिए फेमस है काजीरंगा, सेकेंड इज द आंसर।
चूज द करेक्ट ऑर्डर फॉर ग्लोबल बायोडायवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स में आपको ध्यान रखना है ब्रैम ब्रैम ब्रैम, एक कोड याद करना है ब्रैम, तो जो भी ब्रैम होगा वही होगा सही, यानी कि बर्ड रेप्टाइल मैमल गलत, बर्ड रेप्टाइल सही, बर्ड रेप्टाइल मैमल एम्फीबियन और मैमल, तो ये करेक्ट ऑर्डर है, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बर्ड हैं और फिर आपका है एम्फीबियन और फिर मैमल, तो सेकेंड इज द आंसर। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंचरीज आर मोर कम्प्लीट इन, तो भैया देखो टेम्परेट में इन्होंने सब ढूंढ चुके हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, ट्रॉपिकल में ढूंढा जाना बाकी है, तो आंसर इज द टेम्परेट रीजन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत को चुनिए। द स्पीसीज डायवर्सिटी ऑफ बीटल इज ग्रेटर देन द फिश डायवर्सिटी, अच्छा ये एनसीईआरटी की फोटोग्राफ जो बने वहां से है, द स्पीसीज डायवर्सिटी ऑफ बीटल इज ग्रेटर देन फिश डायवर्सिटी, सही है ये तो, द स्पीसीज डायवर्सिटी ऑफ फिश इज ग्रेटर देन एंट डायवर्सिटी, ये भी सही है, द स्पीसीज डायवर्सिटी ऑफ ऑर्किड एंड एंट आर सेम, तो ये तो गलत है भैया, शुरू में जब आप चैप्टर पढ़ोगे वहां डाटा दिया गया है एंट्स का और ऑर्किड्स का, वहां से आप पढ़ोगे पहला ही चैप्टर की चौथी पांचवी लाइन होगी वहां से मिलेगा, तो यही गलत है आपका, इनकरेक्ट है, ठीक है, बाकी ये सही है, स्पीसीज डायवर्सिटी ऑफ ऑर्किड इज इक्वल टू फिश, बिल्कुल सही है, से आप वहां पढ़ के देखना। इन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन, एक्सीटू में नेशनल पार्क नहीं आते, वाइल्ड लाइफ सफारी ये ही आएगा, एक्सीटू में आपका वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आते हैं। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग, नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे, बायोडायवर्सिटी इज लिमिटेड इन टेम्परेट रीजन, डायवर्सिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज इंक्रीज विद इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया, सही है, डायवर्सिटी डिक्रीजेज फ्रॉम लोअर टू हाइयर एल्टीट्यूड ऑन माउंटेन, सही है, स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, तो ये तो गलत हो गया भाई, स्पीसीज रिचनेस तो जो है आपकी एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है ना, ये वाली लाइन तो गलत हो जाएगी ना, एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती है, ठीक है, तो ये फोर्थ इसका आंसर होगा, गलत है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से सही जो है क्या है, हाई एल्टीट्यूड हैव हायर बायोडाइवर्सिटी देन लोअर एल्टीट्यूड, गलत, लोअर एल्टीट्यूड हैव हायर बायोडाइवर्सिटी देन हाई एल्टीट्यूड, सही, एम्फीबियन हैव हाई बायोडाइवर्सिटी अमंग वर्टिब्रेट्स, गलत, ब्रायोफाइट हैव हाई बायोडाइवर्सिटी देन एंजियोस्पर्म, गलत, तो दूसरा इसका आंसर होगा, एल्टीट्यूड लो होगा तो आपकी डायवर्सिटी हाई होगी, हाई पे जाके कम होगी। स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड आर मेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन साइट, एक्सटिंक्ट जो चीजें हैं उनको जो है कहाँ पर रखा गया है ला करके, तो भाई जूलॉजिकल पार्क में उनको रखा गया है ला करके, एक्सटिंक्ट मतलब वाइल्ड में अपने जो मेन जगह थी नेटिव प्लेस वहां पर एक्सटिंक्ट हो गई हैं, वहां से उन्हें ला करके रख लिया गया है पार्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज ससेप्टिबल टू एक्सटिंक्शन, इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन के लिए जा रही है, लार्ज बॉडी साइज, सही बात थी, डायनासोर इसलिए गए थे दुनिया से तो लार्ज बॉडी साइज रहा होगा, हाई रिप्रोडक्टिव रेट, भाई जो एक्सटिंक्ट हो रहा है उसका तो कम होगा रिप्रोडक्टिव रेट, तो इसका आंसर हो गया सेकेंड, ठीक है ना, यही मिल गया हमें। टॉप होते हैं कंज्यूमर, सही है, फिक्स हैबिटेट होता है, सही है, बेचारे जो इधर उधर नहीं जा सकते मरेंगे और क्या करेंगे। 56, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इन रीजन में लीड टू, बायोडायवर्सिटी लॉस किस रीजन में हो रहा है तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन प्लांट प्रोडक्ट, गलत होगा, प्लांट प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ जाएगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ड्रॉट, ये भी गलत है, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, तो भाई सही है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी से यही होगा आपका, प्लांट प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आएगा। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो इज आवर फ्रेश वाटर इंडिकेटर, डेफनिया ट्राउट फिश ट्यूबिफेक्स स्टोन फ्लाई लार्वे स्लज वॉर्म सीवेज फंगस ई कोलाई, तो भैया ये तो जाएगा डाउट में, ये हमें भी नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है ना, मतलब कुछ एग्जाम्पल नहीं पता लगेंगे, ट्राउट फिश ट्यूबिफेक्स स्टोन फिश लार्वे स्लज वॉर्म सीवेज, दो एक दो तीन स्टोन फिश ये तो नहीं लग रहा है, ट्यूबिफेक्स ये पता ही नहीं है मुझे शायद से, डेफनिया भी नहीं है, ठीक है, ये भी ये कन्फ्यूजन में जाएगा, ठीक है, तो मुझे तो तीन ही लग रहे हैं नीचे वाले ही, बाकी का नहीं पता है, तो एक बार डाउट में रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताना किसी को पता लगे तो, मैं भी देखता हूँ फिर बाद में। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने कौन से साइज का पार्टिकुलेट मैटर रेस्पॉन्सिबल किया है ज़्यादा बीमारी करने के लिए, तो आपको पता है 2.5 माइक्रोमीटर और लेस, ये NCERT की लाइन है, याद कर लेना। नेशनल एनवायरमेंट नेपा, ओके, नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नेपा जो है मेरे बर्थडे से पहले हुआ था, मतलब एक साल, यानी कि 1986, सॉरी मेरा बर्थडे पता लग गया सबको, तो 40 इसमें हुआ था ये। इन 1984 द भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस बिकॉज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, एक फोसजीन भी निकली थी वहां, मिथाइल आइसोसाइनेट भी निकली थी,
ध्यान रखना, इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट कर लिया था, ये सवाल है यहाँ पे दिख रहा है सामने सामने। आंसर होगा आपका थर्ड, रिएक्ट विद वाटर। ये भी याद कर लेना क्या हुआ था वहां, कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनेट, साइनाइड सही ना कर देना, आईएस में प्री में आया था सवाल, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 61, टेम्परेचर वेरिएशन इन पैसिफिक ओशन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड है, तो एनसीईआरटी में लिखा है अल नीनो इफेक्ट इसे कहते हैं, और एक ठंड वाला होता है तो उसको ला नीनो कहते हैं। JFM कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1980, आंसर होगा थर्ड 1980। विच द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो देखते हैं क्या करेक्ट है। कैटालिटिक कन्वर्टर में आपके मेटल्स होती हैं जो कि प्लेटिनम, पैलेडम और रोडियम होती है, सही है ये तो भाई, इसे याद कर लेना तीनों को, ये सही है। एयर एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज, बिल्कुल सही है, हमारे बर्थडे पे हुआ था, दूसरा सही है। स्क्रबर कैन रिमूव गैस लाइक सल्फर, सही है बिल्कुल। ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर है कैन रिमूव 99% पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल, तो ना ना भाई 99% नहीं कर सकते, ये तो गलत हो गया डी, तो आपका ABC सही हो गया, तो फर्स्ट इज आंसर। ग्लोबल अग्रीमेंट टू रिड्यूस रिलीज ऑफ ODS, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए क्या प्रोटोकॉल हुआ था, सबको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 65, विच इज ऑफ फॉलोइंग करेक्ट कंपोजिशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, भैया फोटोकेमिकल स्मोक किससे बनता है, तो ये पारोक्सिलिसाइल नाइट्रेट, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीन चीजों से बनता है, इसको जरूर ध्यान कर लेना, कभी कभी आ जाता है फोटोकेमिकल स्मोक, लॉस एंजलस में मेरे ख्याल से हुई थी, एक बार देख लेना। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक लिली, प्लास्टिक जलने से बेंजोपायरिन नाम का कंपाउंड निकलता है। हाउ मेनी स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग, कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन को ग्रीन हाउस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गलत है, लॉन्ग को करती हैं, गलत हो गया। अर्थ कैन ऑल्सो इमिट इंफ्रारेड, सही है। ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एवरेज अर्थ टेम्परेचर 15, सही है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज 0.6, सही है, तो पहला ही गलत है। ओके ओनली ए इज आंसर दे रखा है भाई यहाँ, तो फर्स्ट आंसर। विच वुड नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर, कौन CO2 का अमाउंट नहीं बढ़ाएगा। रैपिड डिफोरेस्टेशन से बढ़ेगी, हाई रेट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल बढ़ेगी, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट से नहीं बढ़ेगी, ये क्या होता है भैया, ये होता है हाई CO2 होने से एटमोसफेयर में प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट की बढ़ जाती है, C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी हाई CO2 से बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, और यही जो है यही है इसका आंसर, क्योंकि ये बढ़ाएगा नहीं। नेक्स्ट है 69, इन्हें मैच कराना है भाई, इनका मैचिंग का सवाल जरूर 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 कर लेना याद, अच्छा सवाल है, बढ़िया चीजें हैं, कहीं कहीं काम आएंगी, जैसे कि नाइट्रेट मिलेगा कहीं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिथेनोग्लोबोमीनिया, ऐसे दो ऑप्शन होते हैं इसके, मिथेनोग्लोबोमीनिया एक होता है, एक होता है नाइट्रेट का जो है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो वही होगा यहाँ पर, 1 का X हो जाएगा, कैडमियम का आपका हो जाएगा मिनेमाटा, मरकरी का सॉरी मिनेमाटा हो जाएगा, कैडमियम का इटाई इटाई हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा यूरेमिया, तो देख लेते हैं क्या है। ओके फर्स्ट का एक्स है, लेट सी, ओके सेकेंड इज द आंसर, ठीक है ये देख लेना भाई, पहले का एक्स, दूसरे का वाई, तीसरे का डब्लू, चार का चेट। फॉर्म क्या है, फॉर्म तो किससे वो जो आपका वो तो नहीं था, वो एक प्लांट बनाया था वहां पर, जहाँ पर आपका छः जो आपके इंटीग्रेटेड जो मैनेजमेंट किया था, छः जो है लैंड को जोड़ जोड़ के किया था, इन सेटम लिखा हुआ ना, याद है ना आपको, तो फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्क्स इनके लिए वर्ड यूज करते हैं फॉर्म, तो ये पूछेंगे ये किसके लिए है, यूट्रोपिकेशन के लिए नहीं, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर, यही है आपका आंसर, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए ये थे, मतलब ये लोग थे, लोग ही हैं मतलब ये एक तरह से। यूट्रोपिकेशन की वजह से क्या होता है, यूट्रोपिकेशन इंक्रीज द रेट ऑफ, यूट्रोपिकेशन क्या बढ़ा देता है, तो यूट्रोपिकेशन की वजह से जो है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक होता है, लेक बूढ़ी हो रही होती है, वार्म हो रही होती है, गर्म हो रही होती है, शेलो हो रही होती है, ऊपर उठ रही होती है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म मर रहे होते हैं, मीजोफाइटिक ऑर्गेनिज्म आने वाले होते हैं थोड़े दिन बाद, तो सक्सेशन होगा इसका आंसर। इन सी, सी सॉल्ट कंसेंट्रेशन एनसीईआरटी का डाटा है 30 से 35। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर यूट्रॉपिक लेक्स, यूट्रॉपिक लेक्स में भैया ठंड नहीं होगी, इनकरेक्ट पूछा है, तो भाई पहला ही आंसर हो गया, गर्म हो जाएंगे वो तो, क्योंकि वहां आपका डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाएगा, वार्मनेस आ जाएगी, बाकी सब सही है, न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे, एजिंग होगी, लो O2 हो जाएगी। 74, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मरकरी, कहाँ होगी भैया, ये आपका बायो मैग्निफिकेशन का सवाल है, सबसे बाद में जो ट्रॉपिकल लेवल 4-5 पे जो होगा उसमें जाएंगी, तो बड़ी फिश बेचारी मरेंगी,
उनमें होगी। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक कैंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल कोज। ओके, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक कैंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल कारण क्या है इसका? तो भैया बायो मैग्निफिकेशन इसका कारण है, कुछ नहीं है। मतलब हर लेवल पर डिपॉजिट 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 होता रहेगा, क्योंकि इसका डाइजेशन तो होगा नहीं चीजों का, तो ये डिपॉजिट होकर बढ़ जाती हैं। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर इंडिकेटेड ऑफ पोल्यूटेड पोल्यूटेड वाटर? यार फिर से टफ सवाल है, हमसे तो याद नहीं है। मतलब ये हमारा यार ये तो कमजोर है ना, ये देखना पड़ेगा यार। ट्रॉट, फिश, डेफनिया, ट्यूबीफेक्स, ये ट्यूबीफेक्स यही समस्या पैदा कर रहे हैं ना हर जगह। फिर से डाउट है इसको, मैं फिर रोकता हूँ, आप फिर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं भी देखता हूँ बाद में बताता हूँ इसको ना क्या है। नेक्स्ट है आपका पूछो, द फॉलोइंग विल बी फाउंड इन द पॉल्यूटेड वाटर, इनमें से कौन जो है वो पॉल्यूटेड वाटर में मिलता है? ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेंगे, ईकोलाई मिलता है, वाटर एसिन मिलता है, सीवेज फंजाई मिलता है, सब मिलते हैं। ए बी सी डी फोर फोर द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सफर फ्रॉम मिनीमाटा डिजीज? मिनीमाटा डिजीज पानी वाली डिजीज थी, तो इससे कौन नहीं होगा सफर? ओके, रैबिट थोड़ी होगा भाई, रैबिट तो जमीन पे, वो वहाँ क्या आ जाएगा लेने। नेक्स्ट है 79, इन सीवेज ट्रीटमेंट ओके मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज ड्यूरिंग, ज़्यादातर ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो आपका कौन से ट्रीटमेंट में जाएगा? कॉमन बात है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाता है। बैड ओजोन कहाँ होती है? जो हमारे पास होती है ट्रोपोस्फेयर में, जो बैड ओजोन है वो वाली होती है, तो ट्रोपोस्फेयर वाला आंसर होगा फर्स्ट। गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल, आगे देखो सवाल, भोपाल गैस ट्रेजडी में कौन सी गैस निकली थी? भैया मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी। टू सेफ गार्ड फोसजीन भी निकली थी, फोसजीन। टू सेफ गार्ड आर वाटर रिसोर्सेज ओके, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट वॉज पास इन 1974। ओके 1974। विच इज सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैटर? तो भाई ई वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 4। 84, द यूज ऑफ इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। अच्छा, सुई वगैरह जो होती है उनके लिए क्या करते हैं? इंसिनरेशन करते हैं, जला देते हैं उसमें डाल के, एक भट्टी सी होती है उसमें डालते हैं, तो इसका आंसर होगा इंसिनरेशन। 4th, द हाइएस्ट डीडीटी कंसेंट्रेशन इन एक्वाटिक फूड चेन शेल अकर इन। तो एक्वाटिक फूड चेन में डीडीटी ज्यादा कहाँ होगा? तो ट्रॉपिक लेवल ऊपर ही होगा भाई, जहां भी होगा, तो इंसेक्ट में नहीं होगा, ईल में नहीं होगा, स्टॉर्क ओके स्टॉर्क इज ए बर्ड, तो जू प्लैंकटन तो नहीं होगा, बर्ड में होगा, तो बर्ड जा आंसर 3rd, ये टॉप पे होती है। नेचुरल कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन टू ग्रो एट इट्स मैक्सिमम रेट इज कॉल्ड एज। तो भाई ये तो बायोटिक पोटेंशियल होता है किसी भी स्पीसीज का, जब वो स्पीसीज अपने मैक्सिमम रेट पर रिप्रोड्यूस कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज द बायोटिक पोटेंशियल। सेकेंड, वट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्राफ इट इज? एज पिरामिड। तो ये तो एक्सपोनेंशियल है, मतलब एक्सपैंडिंग है, आंसर है क्या देखना, सेकेंड इज द आंसर, एक्सपैंडिंग दिख रहा है सीधा सीधा। नेक्स्ट 88, अगर n इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t है, तो देन पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1 कैन बी रिटन एज। तो ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, इसमें पूछा है भाई क्या पूछा है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है? तो भाई a तो है बर्थ रेट, b है इमिग्रेशन, c है आपका डेथ, और d है इमाइग्रेशन। देख लेते हैं क्या है, a मोर्टेलिटी गलत, b कैन बी इमिग्रेशन सही है, एंड c कैन बी नेटेलिटी गलत, c कैन बी मोर्टेलिटी सही है, एंड d कैन बी इमिग्रेशन, डी कैन बी इमिग्रेशन ना गलत है, ए कैन बी नेटेलिटी सही है, और डी कैन बी इमिग्रेशन इमाइग्रेशन। तो 4th इज द आंसर। इफ 10 इंडिविजुअल इन ए गार्डन पॉपुलेशन ऑफ 50 रोज डाइड इन मंथ, एक महीने में 10 मर जाते हैं, डेथ रेट क्या होगा? 10/50, तो कितना आ गया? 0.2 आ गया, ठीक है। ओके आंसर कहाँ है? ये रहे, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। द स्ट्रैटेजी शोन बाय पैसिफिक सैल्मन फिश फॉर इट्स सर्वाइवलनेस, एनसीईआरटी में लिखा है वो जीवन में एक ही बार जन्म देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। प्रोड्यूसिंग फ्यू इंडिविजुअल और लार्ज साइज गलत, ब्रीड ओनली वंस, बी इज द आंसर। ओके अच्छा अच्छा आगे भी है, प्रोड्यूस मैनी इंडिविजुअल ऑफ लार्ज, गलत गलत, तो बी बचा है आंसर है क्या ऐसा, ओनली बी 3rd। ओके ये रहा, तो ये हमारे 90 क्वेश्चन थे आज के, जिसमें हमने ह्यूमन हेल्थ के कुछ क्वेश्चन किए हैं, इकोलॉजी के सवाल किए हैं, डीएनए वाले चैप्टर कुछ सवाल किए हैं, वो तो आसानी थे, बाकी कुछ टफ भी थे भाई। देखो ध्यान रखना, पेपर निकालना है तो आपको एनसीईआरटी को बार 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 पढ़ना पड़ेगा, सवाल लगातार मेरे साथ करते रहिएगा, बहुत काम आने वाले हैं सवाल आपके, कुछ जगह से सवाल आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बने रहेगा चैनल के साथ में, और सपोर्ट करना यार, शेयर करना, देखते रहना वीडियो को पूरा। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं,